और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जेएनयू से, जहां छात्रों के दो गुटों में बवाल हो गया है। एबीवीपी और लेफ्ट संगठन के छात्रों के बीच झड़प, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, दो गुटों ने कैसे एक दूसरे पर, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जेएनयू की हैं। ये साइकिल उठाकर मारा गया है, ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट और एबीवीपी के बीच में ये टकराव, एक दूसरे पर साइकिलें फेंकी गई हैं, लात घूसों से पिटाई हुई है, दोनों गुटों में ये झड़प, जबरदस्त झड़प देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, देख सकते हैं आप, साइकिल उठाकर मारने की कोशिश की है, लात घूसे चले हैं, झड़प हुई है, आपसी रंजिश की ये तस्वीरें जेएनयू की हैं। काफी ज्यादा बवाल हुआ है कैंपस के अंदर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। और अखिलेश यादव को आज सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने चुनावी व्यस्तता का हवाला देकर दिल्ली जाने से मना कर दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने सीबीआई के सामन को चुनावी हथकंडा बताया। डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी यूपी में गठबंधन से घबरा गई है, इसलिए अब एजेंसियों का सहारा ले रखी है, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछ चुकी है, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है, दलों ने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे में अब समन सीबीआई से आया है, अखिलेश के नाम खनन घोटाले का पैगाम। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव को सीबीआई से मिले नोटिस का जवाब भी सियासी है। अखिलेश यादव दिल्ली से दूरी बना रहे हैं और खुद को चुनाव के बीच काफी व्यस्त बता रहे हैं। सीबीआई के समन के जवाब में अखिलेश ने कहा, चुनाव के समय पर समन क्यों भेजा गया, घोटाला केस में 5 साल बाद समन क्यों, फिर भी जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, चुनाव के वक्त दिल्ली जाने में असमर्थ हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकता हूं। यानी सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव ने सवाल भी उठाए और जवाब भी दिया। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हो और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। संविधान मंथन होने जा रहा है, लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं,